आज हमारे साथ है योग के एक टीचर शुभांगी जवेरी जी, और उनका चलिए हम देखते हैं क्या आयुर्वेदिक पंचकर्म का एक्सपीरियंस रहा। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? शुभांगी राहुल जवेरी। ठीक। कहाँ से हैं आप? पुणे। ठीक। क्या करते हैं आप, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं एक योगा टीचर हूँ, साथ साथ से मैं योगा में कार्यरत हूँ और मैं सिखाती हूँ दूसरों को भी। ओके। कहाँ? पुणे में सिखाते हैं। पुणे में। ठीक। तो आप आए थे क्लिनिक में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, वो प्रॉब्लम के ऊपर अपन बात करते हैं और फिर उसके लिए जो भी पंचकर्म किया उससे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। आपको हमने दो पंचकर्म किए, राइट? एक था वमन। वमन में आपने जिसने कितने दिन घी पिया था आपने? 5 दिन। वो कैसा था एक्सपीरियंस घी पीने का? पहले 4 दिन तो घी गया, 5वें दिन घी बिल्कुल नहीं गया, सिर्फ 100 ml मैंने घी पिया और 50 ml में नहीं पी पाई। क्या तकलीफ हो रहा था उस टाइम पे? बहुत स्मेलिंग आ रही थी और वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। वॉमिटिंग जैसे। और घी पी, इतना घी आपने लाइफ में कभी पिया था? नहीं। ठीक है। तो क्या लग रहा था घी पीते समय? घर का जो घी लेते हैं वो अलग होता है और ये घी का टेस्ट थोड़ा अलग था, मेडिकेटेड होता है तो इसलिए वो नहीं जा रहा था। ठीक है। और 5वें दिन घी पीने के बाद कैसे था आपको, क्या क्या हो रहा था? घी पीने के बाद मुझे वॉमिटिंग जैसे ही फील हो रहा था और वीकनेस बहुत बढ़ रहा था। वीकनेस। उसके नेक्स्ट डे आपने दही और उड़द वड़ा ये सब खाया था? खाया था। वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दही अच्छा लगा। ठीक है। सो वमन का कैसा था एक्सपीरियंस वमन करने के बाद? वमन करने के बाद बहुत हल्का लगा। कुछ डर था, कुछ ऐसा था? डर ऐसा नहीं, सिर्फ वीकनेस था थोड़ा सा, लेकिन वमन करने के बाद बहुत रिलैक्स और जो थकावट थी वो बहुत कम हो गई थी। जो वमन 5 दिन जो घृतपान किया था उस वक्त मुझे थकान बहुत महसूस हो रही थी, ज्यादा लग रही थी, बहुत ज्यादा, लेकिन वमन के बाद वो पूरा कम हो गया और फ्रेश फील हो रहा था। इंटरनली एकदम ऐसे लग रहा था कि पूरा क्लियर है। पूरा क्लियर है। ठीक। आपने आपकी हिस्ट्री में कुछ तकलीफ बोली थी आपने, जैसे एसिडिटी आपने बोला था, तो वमन करने के बाद लगभग कितना, 10 या 12 दिन पहले हमने वमन किया था, तो वमन के बाद कैसा है अभी वो? वमन के बाद अभी इतना एसिडिटी का नहीं है, फिलहाल है ही नहीं, अभी देखा जाए तो इतना नहीं लग रहा है। नहीं। अभी आजकल आप क्या खा पी रहे हो खाने में? खाने में जो आप डाइट दे रहे हो वही मैं फॉलो कर रही हूँ। नाम बोलो क्या क्या खा रहे हो, आप मराठी में भी बोल सकते हो, आपको हाँ बिंदास बोल सकते हैं। खाण्यामध्ये जे तुम्ही सांगितलं आहे की फळ भाज्या आहे, दोडका, भेंडी, फ्लावर, कोबी, ह्या सगळ्या भाज्या खाते, ज्वारीची आणि बाजरीची भाकरी आणि भात, पर जे आहे नॉर्मल आपलं जो डाएट तुम्ही सांगितलं आहे, मुगाचा पदार्थ, मुगाचं सूप हे मी हे घेते, मुगाचे सकाळी पदार्थ जे काय असतील, थालीपीठ जितकं करता येईल ते पदार्थ, ते इंटेक मी घेते। तो अभी वो डायजेस्ट होता है? हो, ते डायजेस्ट होते, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी एसिडिटी, सिर दर्द ऐसा कुछ हुआ है? जे काय ते सांगू फ्रेंड? हां बिंदास, जो भी है आपको वही बोलना। ऍक्च्युली कसं झालं, ते इथे वडिलांकडे आली त्यामुळे झोप उशिरा होत होती, त्यामुळे जाणवलं की थोडस डोकं दुखतंय, नींद पूरी नहीं हो रही इसलिए हो रहा है, बाकी उसके अलावा ऐसे कुछ नहीं पाए। ठीक। फिर आपन ने विरेज ये बस्ती प्रैक्टिस की 8 दिन की, आज 8वां दिन है आपका, तो बस्ती लेने के बाद क्या एक्सपीरियंस है आपका, मतलब कैसे लगता है? बस्ती घेतल्यावरती माझं पोट साफ होतं, आधी मी 2 वेळा खायचे, म्हणजे दोन वेळा खाल्लं तरी मला पोट साफ होत नव्हतं किंवा येतच नव्हतं, एक दिवस झाल्यावर मग दुसऱ्या दिवशी यायचं, आता तसं नाही आहे। आता मी 2 वेळा खाल्लं आणि रात्री उशिराही 2 वेळा उशिरही झालं, 9 वाजता जेवले तरी सुद्धा दुसऱ्या दिवशी पोट एकदम साफ हो जात आहे आणि खूप हलकं वाटतं, म्हणजे पोट साफ झाल्यावरती मस्त। आपने कुछ तकलीफें बोली थी वो बात करते हैं, जैसे की सबसे पहला प्रॉब्लम आपने बोला था की नींद डिस्टर्ब स्लीप होती थी, तो वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है या अभी आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है? आता तेवढा वेळ मिळत नाहीये, जसं मी घरी जाईल माझं रुटीन नॉर्मल होगा का, तेव्हा बघेल की कसं काय आहे, बट पहले के मुकाबले नींद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, ज्यादा शांत सो पा रहे हो या ऐसा? हां शांततेने झोपते तर आहे, असं होत नाही की उठली आहे, फक्त जी सवय आहे सकाळी लवकर उठायची, 7:30 जी जाग येते ती येते, त्यानंतर झोप येत नाही। ठीक। और दूध से आपको हेवीनेस होता था वो कैसा है? दूध घेतलंच नहीये, अभी तक दूध नहीं लिया आपण। ठीक। आपण क्योंकि वमन हुआ है तो दूध पी के देखेंगे, और 99% चांस है कि आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि कफ निकाल दिया है। आपने इनडाइजेशन बोला था 20 साल से कि खाना हजम नहीं होता था, वो कुछ अंतर लगता है या अभी भी उतना ही है? नहीं नहीं
वाटतंय ना, डायजेस्ट होते म्हणून तर सकाळी व्यवस्थित पोट साफ होत आहे, पेट साफ हो रहा है. गॅसेस कसा आहे? गॅसेस जो गॅसेस आता बस्तीच्या वेळेस जेव्हा तेल घेत होतो त्यावेळेस गॅस भरपूर प्रमाणात बाहेर पडत होता. हे म्हणजे मी भी बस्ती लेतो तो गॅस बहुत ज्यादा बाहेर आता. और जो बर्निंग सेंसेशन होता था यहाँ पे गले में, अधून मधून एकदा झालं थोडं. ओके ठीक. आता मला बघायचं आहे की दूध पिल्यानंतर गॅस होतो का, कारण मला दूध पिल्यानंतर खूप प्रमाणात गॅस किंवा मुगाचं पण मी खाल्लं ना सूप कुछ ऐसे नाही, डायरेक्ट डायरेक्ट दाल खाए, मूंग की हिरवे मूग ते हा स्प्राउट खाल्ले की त्याच्यानेही मला गॅस व्हायचा. आता ते बघायचंय की पुढे ते खाल्ल्यावर कसं होत. और ये कॉन्स्टिपेशन आपने बोला था वो कैसा है 15 साल से? कॉन्स्टिपेशन 15 साल से असं होतं की ज्या दिवशी माझं पोट साफ व्हायचं त्या दिवशी मी जास्त प्रमाणात जेवायचे, कारण भूक लागायची तशी. आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मग नाही व्हायचं, दुसऱ्या दिवशी व्हायचं परवा साफ, हे अशा पद्धतीने चालू होत. पण आता बस्ती घेते तेव्हापासून रोज साफ होत आहे पोट माझं. गुड. और वीकनेस लगता था, जॉइंट्स पेन आपको, जोड़ों में दर्द होता था, कमजोरी लगती थी, वो कैसा है? और मॉर्निंग में स्टिफनेस भी होता था. हाँ, ते प्रमाण कमी अकड़ जाता था ना मॉर्निंग में. हाँ, स्टिफनेस थोड़ा होता, पूर्ण शरीराला पेन उठला की जड वाटत शरीर सुबह. पण आता तसं नाही वाटत आहे आणि पेन आधीच्या प्रमाणे फार कमी आहे. पेन और बीबी है या पूरा गया या बीबी लगता है? थोड़ा फार कधीतरी. 100 में से कितना परसेंट पेन लगता है कि अब बीबी बचा है? असं 70% कमी वाटतंय, 30% असं वाटतं. 30% पेन अभी लग रहा है आपको, ठीक. और हार्मोनल इम्बॅलन्स ऐसे करके आपने बोला था, तो अभी उसके कुछ लक्षण लग रहे हैं या ऐसे कुछ? आता 2 दिवस मसाज केलं ना, तेव्हा स्टीम घेतलं 2 दिवस, तर काल माझ्या अंगावर ना थोडस स्पॉटिंग झालं. स्पॉटिंग जैसे हुआ, ठीक. सो इनको हमने चेक किया था, तो इनको लीवर के समय पे यहाँ पे जब हमने चेक किया था उनको भारीपन आया था. इनकी प्रकृति वात पित्त वाली है, पर बीमारी कफ वात की थी, इसलिए हमने एसिडिटी में वमन किया था और बस्ती किया था. तो वायु और कफ जितने अच्छे हुए इसलिए उनके सिम्टम्स आराम हो गए. दूध आप पी के आपको अच्छे से हजम हो पाएगा. हाँ, और इनको हमने घर पे कंटिन्यू बस्ती करने के लिए बोला है. और पर योग में कुछ हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि योग में जो पानी पी के उल्टी करना है, गजकरणी कुछ लोग बोलते हैं, है ना, या फिर पानी पी के जो मोशन करना है, शंख प्रक्षालन बोलते हैं, या पानी का एनिमा है, वो हमने इन्हें मना किया है. क्योंकि वो सारे जो शोधन है, जो ऐसा मेरा जो मेरी जो छोटी थोड़ी बहुत समझ है कि योग वाली जो लाइफस्टाइल है वो योगी लोगों के लिए ज्यादातर बोली है. पर अगर किसी को ऑलरेडी वात है, वायु है, मतलब बहुत दुबला पतला है, पेन हो रहा है, वजन कम हो रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर पानी पी पी के उल्टी करेगा और डेली करेगा तो क्या होगा, स्टमक एसिड उसका धुल जाएगा, उसको और ये आदत बन जाएगी कि रोज पानी पी के पहले उल्टी करो तभी भूख लगेगी, नहीं? या फिर वो आदमी सूखने लगेगा, वेट लॉस हो जाएगा. तो इसलिए वो प्रैक्टिस आपको मन है. पण रोजच्या ह्याच्यामध्ये नाही म्हण, किंवा 3 महिन्यातनं एकदा, पण त्यामध्येही सेंधव मीठ आम्ही थोडंसं प्रमाणात टाकतो, कोमट पाणी करतो. आणि फक्त आम्हाला लिमिट दिली की 1 लिटर तरी, फक्त 1 किंवा 2 त्याच्यावर नाही, आणि जेवढं शक्य होईल तेवढंच. त्यानंतर पण बरेच प्रोसेस असतात की नवली असते, नवली धावती ह्या गोष्टी बऱ्याच असतात. मी तिथपर्यंत कधी गेले नाही, मी फक्त वमन आणि शंख प्रक्षालन हे केलेलं आहे की बाबा 3 महिन्यानंतर सुद्धा आपलं जे आहे साफ करणं, बॉडी क्लिनिंग अशा पद्धतीने तेही योग्य नाही का? उसमें क्या तकलीफ होता है कि सबसे पहले हम आयुर्वेद में क्या करते हैं कि घृतपान क्यों करते हैं, दोषों को एक जगह लाने के लिए. दो टाइप के तकलीफें होती है, एक हो मतलब आपके पेट को आयुर्वेद में बोलते हैं कोष्ठ, और हाथ पैर इन सबको बोलते हैं शाखा. तो सपोज आपका खाना हजम नहीं हो रहा है और आपको यहाँ पे पेन है या घुटने में ये सब दर्द है, तो उसको आयुर्वेद में बोलेंगे कोष्ठ से शाखा की तरफ दोषों का जाना, कोष्ठ से शाखा की तरफ जाना. घृतपान क्यों कर रहे हैं, उन दोषों को हम फिर से खींच के कोष्ठ में ला रहे हैं, इसलिए 5 दिन या 4 दिन जो भी घी पीना होता है. और उसके लिए फिर इतना ज्यादा मालिश करते हैं, स्टीम जो भाप देते हैं कि जो चिपके हुए दोष हैं वो ढीले हो सके. और फिर जाकर वमन आप कराते हैं, और उसमें भी आप देखोगे कि कई काढ़े होते हैं, चाटन होता है, ये सब होता है, हाँ दूध होता है. क्योंकि मेन गोल क्या है,
दोष निकलने चाहिए बट वात प्रकोप नहीं होना चाहिए। बराबर। अगर डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं है, बस मैंने डायरेक्ट पानी पिया, उल्टी किया, तो इसमें कुछ भी हमने ऐसे सिस्टम फॉलो नहीं किया है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि उल्टी के तीन टाइप आयुर्वेद बोले हैं, हीन, हीन मतलब जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, और एक होता है अति, अति मतलब बहुत ज्यादा उल्टी कर दिया। तो वो जो लोग मतलब प्रैक्टिस करते हैं उनको पता कैसे चलेगा कि प्रॉपर उल्टी की है या मतलब ज्यादा कर दिया कम कर दिया। तो इस चीजों के कारण हम आयुर्वेद में जहाँ है वो मना करते हैं, क्योंकि वायु का प्रकोप अगर होगा तो ऐसे पेशेंट आपको देखो बोलेंगे कि उल्टी के बाद मेरे को सिर दर्द हो रहा है या घुटना दर्द हो रहा है ऐसा। वैसे मेरे मुझे भी हो रहा था, माला ही तसा पद्धति ने होता था कि डोको जब आप पानी पी के उल्टी करते थे, त्यानंतर डोको होता था, डोको धरायचं दिवसभर आणि झोपल्यावरती मग शांत वाटायचं। तो सोने के बाद इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि जो वात प्रकोप होता था, तो आप जब सोते थे तो उससे वायु शांत होती है, इसलिए। तो अगर आप पानी पी के अगर मोशन वोशन भी करेंगे पेट साफ हो जाएगा, बट आपको वो जो रिजल्ट मिले हैं वो नहीं मिले। अच्छा। अभी जैसे साइबर सिक्योरिटी में एक पेशेंट है अपने, सुबह में बस्ती किया, उनको हमने, मोटे पेशेंट है, फैटी लीवर था, और उनको हमने वमन कराया था क्योंकि एसिडिटी भयंकर था। उसके दो हफ्ते बाद विरेचन कराया, उनको जब विरेचन हुआ ना 5 दिन के बाद घृत पान से, लैट्रिन क्या पे इतना जलन हुआ कि वो रोने जैसे हो गए, उनको आता आंसू जैसे, उनको वहां पे क्रीम व्रीम लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर इतना ज्यादा उनका पित्त इकट्ठा था कि जब वो बाहर आया तो वो स्किन वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो अगर उनको हम केवल पानी का दे देते तो वो पित्त उतना नहीं आता बाहर। तो मतलब मोटे पेशेंट के लिए एक टाइम पे हम समझ भी सकते हैं, या जिसकी स्निग्ध बॉडी बहुत स्निग्ध है पर बहुत दुबला पतला है या वायु बढ़ी हुई है, ऑलरेडी ज्वाइंट पेन वेन है, उनको पानी वाली चीज से तकलीफ हो जाए। आपको स्ट्रेस के कारण एसिडिटी ज्यादा होती थी? ताण हा खूप म्हणजे मेंटली आणि फिजिकली पण खूप होता, कोरोना गेल्यानंतर पैशाचा प्रॉब्लेम, बऱ्याच गोष्टी असतात प्रत्येकामध्ये। तर आणि त्यात आई गेली, ते म्हणजे कुठे मी डायट तो फॉलो करत होते, योगा टीचर म्हटल्यावर काही आपण बघतोच, ते करतच होते, तेवढ्या पुरता ते बरं वाटत, पण असं काही एकदम सडनली आलं ना की ते पुन्हा वर येत, ह्या गोष्टी मी बऱ्याच वेळा अनुभवल्या। वो अति चिंता के कारण, उसके लिए आयुर्वेद में जैसे बोला भी है कि चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजा करे, ये सारे फैक्टर रहे तो टाइम पे खाया हुआ खाना भी हजम नहीं होता, उसको अजीर्ण बोलते हैं। तो वो हो रहा था आपको, और रस वाहिन्य दुष्यंती चिंतानाथ अति चिंतनाथ, अति चिंता से आपका रस धातु खराब हो रहा था, इसलिए इतने सारे तकलीफ हो रहे थे। तो अभी अपन ने मतलब वमन किया है, बस्ती की है, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी, और फिर दूध पी के देखेंगे कैसा फीडबैक है। ठीक है, चलो। सो अभी लास्ट खत्म करते हैं, क्या एक्सपीरियंस था आपका, ये आपने लाइफ में पहली बार किया वमन और बस्ती? हाँ, मैं पहले इंदा किया है। क्या एक्सपीरियंस था पंचकर्म का, आयुर्वेद का? पंचकर्मचा हे आहे की खरंच आहे, आधीपेक्षा आणि आत्ता हे जवळजवळ आपण 2 आठवडे घालवले असतील ह्या सगळ्या, 2 हप्ता। हा म्हणजे आधीच्या ऐंधणी ह्यामध्ये बऱ्यापैकी जमीन अस्थांतरण होत आहे, तो ताण होता आधीचा किंवा जी आधी माझी परिस्थिती होती आणि आत्ताची जी आहे त्यामध्ये पुष्कळ फरक आहे आणि पॉझिटिव्ह आहे। पॉझिटिव्ह चलेगा। सो ये थे सुहांगी जी, इन सबने रिक्वेस्ट की थी कि आयुर्वेद का फीडबैक, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स के कर्म होते हैं, बट कई पेशेंट सोचते हैं कि नहीं मुझे कैमरे के सामने नहीं आना है, बट वो योग टीचर है, उन्होंने खुद बोला कि वो भी फीडबैक लेते हैं, तो उनसे हमने फीडबैक मांगा। चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।